आज हमारा टॉपिक है ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपके पास एक प्रेग्नेंट मदर आती हैं तो यू हैव टू सी फ्रॉम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी टिल दी एंड अबाउट व्हाट आर दी फीटल रिलेशंस विद दी यूट्रस एंड ऑल दैट। जैसे लाई कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, बच्चे का मूवमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें हम असेस करते हैं इन दी ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन। सो ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन में हम वही सारी चीज़ें करते हैं जो बेसिकली हम फिज़िकल एग्जामिनेशन के पॉइंट्स में पढ़ते हैं फॉर एनी अदर पेशेंट। बस यहाँ पे उन पॉइंट्स में हम क्या इन्फर करते हैं दैट इज़ डिफरेंट। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज़ एन अबडोमिनल एग्जामिनेशन। वी कैन डू ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन बाई बोथ द वेज। One can be the abdominal examinations and the second one is the internal examination. Internal examination can be done through the ultrasonography or it can be done through the pervaginal examination. Okay, unki details mein hum nahi jayenge. We are just focusing today on the point of obstetrical examination on the abdomen. ओके, सो अबडोमन में जब अबडोमिनल एरिया में जब हमें इंस्पेक्शन करना है तब द फर्स्ट वन इज़ इंस्पेक्शन। तो जब हमें इंस्पेक्शन करना है तो हम क्या करते हैं, ओके, बिफोर गोइंग ऑन टू द अबडोमिनल एग्जामिनेशन वील फर्स्ट सी व्हाट आर द प्रिलिमिनरी क्राइटेरियाज दैट वी हैव टू फॉलो। वी वेलकम दी प्रेगनेंट मदर, वी टेल हर द प्रोसीजर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी टेल हर व्हाई वी आर डूइंग इट, मतलब सॉर्ट ऑफ अ कंसेंट वी आर टेकिंग। एंड उसके बाद अ वर्बल कंसेंट, यू डोंट टेक अ इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट, यू कैन जस्ट टेक अ वर्बल कंसेंट इफ शी इज़ कम्फर्टेबल विद द प्रोसेस, इफ शी इज़ फीलिंग कम्फर्टेबल राइट नाउ और नॉट। ये सारी चीज़ें हम एक बार जस्ट पूछ लेते हैं, वी टेल हर, वी क्रिएट अ गुड आई पी आर विथ हर, सो दैट कि जब भी हम पैल्पेट करें उनको जो भी डिस्कम्फर्ट होगा शी कैन एक्सप्रेस विद द नर्स प्रैक्टिशनर एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो आफ्टर दैट वील वॉश आर हैंड्स बिफोर टचिंग द मदर थॉरली। और उसके बाद वी लेट हर लाई डाउन ऑन द डॉर्सल पोजिशन, मतलब सुपाइन पोजिशन ही, जस्ट the positions of the lower extremities that legs can be a little flexed or rotated, इसलिए हम उसको dorsal position कहते हैं। okay, so in the dorsal position we make her lay down and after that we inspect her abdomen. We are just inspecting her abdomen, we are not doing anything else. Inspection में हम क्या करते हैं, inspection में we'll just see through all the things, like we'll just get to know कि उनका जो uterine ovoid है, मतलब जो uterine structure है, वो longitudinal है, ट्रांसवर्स है, ओब्लीक है, कैसा है, थोड़ा सा विजिबल होता है, उससे भी पता चल जाएगा कि बच्चे का लाई कैसा है। कॉन्टोर देखते हैं, कॉन्टोर इज दी आउटलाइन बॉर्डर जो है, शेप कैसा है, वो चीज़ें हम देखते हैं यूट्रस में। किसी भी तरीके का अनड्यू एनलार्जमेंट तो नहीं है, किसी भी तरीके का ऐसा एनलार्जमेंट तो नहीं है जो अलग अलग पोर्शन, मतलब अनइवन सा लग रहा हो, ये सारी चीज़ें हमें देखना बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज इट कैन सजेस्ट ऑफ एनी ट्यूमर और समथिंग। सो अनड्यू एनलार्जमेंट्स वगैरह देखते हैं। स्किन को एक बार हम थॉरली एग्जामिन करते हैं जस्ट टू सी वेदर देर इज़ एनी टाइप ऑफ स्कार्स, लीजन्स, किसी भी तरीके का इंसिशन तो नहीं है वहाँ पे, साथ ही साथ किसी भी तरीके का रेडनेस, परप्यूरिक लीजन्स, ऐसा कुछ विच कैन सजेस्ट ऑफ एनी इन्फेक्शंस। ओके, सो स्कैबीज़ वगैरह बहुत कॉमन हो जाता है, सो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें उनमें देखते हैं। सो दीज कम्स अंडर इंस्पेक्शन। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज़ पैल्पेशन। पैल्पेशन इज़ मच ऑफ अ ग्रेटर इम्पॉर्टेंस। पैल्पेशन के दौरान हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम पैल्पेट करके क्या मेजर करते हैं, वी सी दी फंडल हाइट, फंडल नॉचिंग कहते हैं, फंडल हाइट देखते हैं हम कि जो मदर का यूट्राइन अवॉइड है उसको उसका हाइट कितना है वो देखा जाता है। हाउ इट इज़ डन इज़ द मदर इज़ लेइंग डाउन, उसके बाद वी जस्ट प्लेस अ हैंड ऑन द ज़ाइफस स्टर्नम, उसके बाद हम
इस हैंड को नीचे की तरफ पुश करते हैं वेरी जेंटली, नॉट डू इट वेरी स्टर्नलेसली क्योंकि इससे अनड्यू इरिटेबिलिटी या फिर कॉन्ट्रैक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं. सो वेरी जेंटली वी विल जस्ट प्लेस द हैंड एंड वी पुश इट डाउनवर्ड वेरी जेंटली. एंड आफ्टर पुशिंग इट एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसके बाद आप नीचे की तरफ पुश नहीं कर पाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि दिस इज़ द करेक्ट पॉइंट. वो जो एरिया है ओके, इफ़ दिस इज़ द मदर एंड इफ दिस वॉज द यूट्राइन कॉन्ट्रोल, आपने प्रेस करके यू ब्रॉट इट टिल हियर ठीक है, एंड दिस इज़ द अम्ब्लाइकस ओके, सो एंड दिस इज़ द सिम्फाइसिस प्यूबिस. तो अगर यहाँ तक आप ले आएँ तो आप एक सॉफ्ट टेप लेते हैं, टेप लेने के बाद उसका जो ज़ीरो मार्किंग है उसे यहाँ पर प्लेस करते हैं, प्लेस करने के बाद आप उसको यहाँ तक सिम्फाइसिस तक मतलब यहाँ पे प्लेस करके आप सिम्फाइसिस तक लेके जाते हैं. एंड जो ये हाइट होता है दिस इज़ द हाइट विच टेल्स यू अबाउट द फंडल हाइट ठीक है. सो दिस इज़ द फंडल हाइट. साथ ही साथ यहाँ पे एक पिक इमेज है जिसमें फंडल हाइट को वीक्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है कि ये सिम्फाइसिस प्यूबिस का एरिया है ओके, दिस इज़ द अम्बिलिकस. अगर यहाँ पे ये बताया गया है कि 12 वीक्स में कहाँ तक होगा, 16 वीक्स में कहाँ तक होगा, टिल दी 38 वीक्स तक जो यूट्राइन ओवॉइड है वो कहाँ तक ग्रो करता है, दैट इज़ शोन इन दिस थिंग ठीक. ऐसे भी पता लगता है कि फंडल हाइट इज़ मूविंग अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी और नॉट ओके. सो दीज आर दी टू वेज, दिस इज़ नोन एज दी SFH दैट इज़ सिम्फाइसिस फंडल हाइट मेजरमेंट. तो क्योंकि हम सिम्फाइसिस से ले रहे हैं फंडस की हाइट को इसलिए दिस इज़ नोन एज SFH ओके. सो दिस इज़ सिम्फाइसिस फंडल हाइट मेजरमेंट. अब सिम्फाइसिस फंडल हाइट मेजरमेंट के हिसाब से या इस तरीके से जहाँ हम जस्ट प्लेस कर देख रहे हैं कि अगर इतने वीक्स हुए हैं तो सिम्फाइसिस प्यूबिस में होगा, थोड़ा और के बाद वो अम्बिलिकस में आ जाता है, थोड़ा और तो इट कम्स ऑन टू दी और ऊपर के बॉर्डर तक. सो उस हिसाब से अगर जो फंडल हाइट है इफ़ इट इज़ वेरी हाई दैन द नॉर्मल रेंज तो क्या क्या हम कंक्लूजन बना सकते हैं, और अगर फंडल हाइट बहुत कम है अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी तो हम क्या क्या कंक्लूजन्स बना सकते हैं, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है ओके. सो अगर फंडल हाइट जो है मान लीजिए समवेयर द फंडल हाइट इज़ हियर ठीक है, इस पॉइंट पे है, और इस पॉइंट पे होने का मतलब है कि मतलब दिस इज़ द अम्बिलिकस और इस पॉइंट पे फंडस है. अगर फंडस 32 वीक्स के हिसाब से है लेकिन अभी तक मदर के प्रेगनेंसी के हिसाब से वो शायद 28 वीक्स तक ही पहुंची होंगी या 24 वीक्स तक ही पहुंची होंगी, लेकिन उनका फंडस जो है वो 32 वीक्स को कॉन्सिक्वेंट कर रहा है. तो इसका मतलब है कि फर्स्ट शायद मदर अपना LMP गलत बताई हूँ. LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो जो लास्ट डेट था मेंस्ट्रुअल पीरियड का वो उन्होंने शायद मिस्टेकनली गलत बताया हो, तो दैट कैन बी वन थिंग. सो उससे तो सारी प्रॉब्लम ही सॉर्ट हो जाती है, दैट्स अ एरर ओके. नाउ इफ द डेट इज़ करेक्ट फिर भी अगर फंडल हाइट इज़ नॉट इन प्रोपोर्शन टू दी पीरियड ऑफ एमनोरिया. पीरियड ऑफ एमनोरिया मीन्स द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कब से पीरियड्स नहीं आए हैं, दैट इज़ द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी. तो अगर उसके साथ इन रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि ईदर द मदर इज़ हैविंग टू मच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जिसको हम पॉलीहाइड्रामनियोस कहते हैं. That could be one reason कि इतना ज़्यादा fluid है उनके uterus में जिस वजह से the fundus is growing higher which is a complication. It can be due to twin baby. हम क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो बात करते हैं वो single baby के बारे में है, अगर twins हैं या multiple pregnancy है तो फिर उसमें भी ऐसा हो सकता है कि there are chances of increase in fundal height. तो that can be one reason. It can be due to a big baby, मतलब baby का जो size है that is way much higher than a normal standard baby, वो हो सकता है. और it could be because of any tumor that is in the pelvic area, or it could be due to hydatidiform mole. Hydatidiform mole वहाँ वो condition है जब chorions मतलब baby form नहीं हो पाता है, baby gets degenerated and the other part, the chorion part has a grape-like structure, वो हम आगे disease में पढ़ेंगे, दैट इज़ अ हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल. तो ये या ऐसे ही कुछ कंडीशंस हो सकते हैं जिस वजह से फंडल हाइट इज़ वेरी मच बिगर या हायर दैन द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी या पीरियड ऑफ एमनोरिया ओके.
in contrary, what happens, what can be the reasons because of which the mother is having a very low fundal height in correspondence to the period of pregnancy or period of amenorrhea. Uske karan kya hai ki ya to the baby can be very small, theek hai, the amniotic fluid can be very less, jisko hum oligohydramnios kehte hain. Oligohydramnios is the opposite of polyhydramnios. Okay, so oligohydramnios ho sakta hai. It can be because of the baby that has growth retardation, IUGR vagera ho sakta hai, intrauterine growth retardation ki wajah se. Intrauterine growth death ho sakti hai, intrauterine death ho sakti hai bachche ki. So these can be some reasons jiski wajah se the fundal height is very less than the period of amenorrhea. Okay, so and the first one being the same reason, हाई होने में या लो होने में एक रीज़न प्रोमिनेंटली ये भी रहता है कि मदर हैज़ फॉरगॉटन द डेट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, इसके अलावा जो बाकी हम बात कर रहे हैं दैट आर टिपिकल केसेस, और ये कॉमन कंडीशन होता है कि द मदर हैज़ फॉरगॉटन द डेट, तो उसकी वजह से तो हाइट जो आप नाप रहे हैं दैट कुड बी लेस और मोर. ओके, सो दिस इज़ वॉट this is how fundal height gives you the idea कि what can be normal, what can be the कॉम्प्लिकेशन दैट कुड अकर. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स के बारे में. ये पैल्पेशन में ही आता है. ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स में वी हैव फोर टाइप्स ऑफ ग्रिप्स. इन ग्रिप्स को या इन मैन्यूअल्स को हम लियोपोल्ड मैन्यूअल कहते हैं. देर आर फोर टाइप्स ऑफ ग्रिप्स, फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप और पॉलिक ग्रिप. ठीक है, एक एक करके हम देख लेते हैं कि फंडल, पेल्विक, पॉलिक और दिस थिंग लेटरल ग्रिप्स को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं. ओके, जस्ट ब्रीफली हम इसको डील कर रहे हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट वन, फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूअर इज़ द फंडल ग्रिप. उसमें मदर इज़ लाइंग. ठीक है, मदर इस तरीके से आपके सामने डॉर्सल सुपाइन पोजिशन पर लेटी हुई हैं एंड देन यू आर फेसिंग द मदर. ठीक है, आप मदर को फेस करते हुए खड़े हो जाएंगे, मतलब आप मदर के लेग साइड पे खड़े हैं, मतलब लेग साइड मतलब ऑन द एंड साइड टू द राइट. ज़्यादातर हम राइट पोजिशन प्रिफर करते हैं, स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द मदर इज मोर प्रेफरेबल. सो यू आर स्टैंडिंग फेसिंग द मदर एंड देन उसके बाद हम मदर के फंडस पे अपना हाथ इस तरीके से प्लेस करते हैं. ओके, आई एम स्टैंडिंग जस्ट इन पैरेलल टू माय पोजीशन, इस वजह से हैंड ऐसे आ रहा है. आप जब मदर को इस तरीके से लेंगे तो हाथ का हाथ ऐसे आएगा लाइक दिस. दिस इज़ द फीटस एंड योर हैंड विल लाइक कम लाइक दिस. ओके, सो यू हैव टू जस्ट होल्ड द ग्रिप ऑफ द फंडस एंड आप उसको पूरी तरीके से अपने हाथों से कवर करने की कोशिश करते हैं. ओके, नाउ द हैंड्स आर हियर, द फंडस इज हियर. यहाँ पे जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें बेबी का हेड है जो क्यूबिस की तरफ है, मतलब बेबी इज़ इन अ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन. तो अगर ऐसा हुआ तो जो एरिया आप ग्रिप करेंगे वहाँ पे आपको बटक्स मिलेगा. ओके, सो नाउ वी विल जस्ट सी कि व्हाई वी आर डूइंग दिस फंडल ग्रिप. फंडल ग्रिप करते वक्त हमें ये पता चलता है कि फंडस में कौन सा पार्ट है. ठीक है, आप वहाँ पैल्पेट करते हैं. पैल्पेट करने में अगर आपको बहुत सॉफ्ट सा, स्लगी सा, बहुत अनइवन सा पार्ट मिलेगा, सो इट मींस कि आपको क्या मिला है वहाँ पे, बटक्स मिला है. बटक्स मिला है इसका मतलब द बेबी इज़ इन अ वर्टेक्स पोजीशन, क्योंकि फंडस में अगर वर्टेक्स है तो फिर नीचे की तरफ कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होगा, हेड होगा, तो वर्टेक्स है. अगर आपको यहाँ पे बहुत छोटा सा, बहुत ओवल टाइप का एक स्ट्रक्चर मिलता है तो इट मींस, मतलब स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, इट मींस यू हैव गॉट होल्ड ऑफ द हेड. ठीक है, ऊपर आपको हेड मिला है फंडस में, इसका मतलब नीचे की तरफ क्या होगा, बटेक्स होगा, इसका मतलब बेबी इज़ इन अ ब्रीच पोजीशन. ठीक है, तो एटलीस्ट आपको लाई और प्रेजेंटेशन यहाँ पता चल जाता है. व्हाट इफ़ द बेबी इज़ इन अ ट्रांसवर्स पोजीशन. अगर ट्रांसवर्स पोजीशन पे है बेबी इस तरीके से तो ऊपर के एरिया में आपको कुछ भी फील नहीं होगा और आप ग्रिप नहीं ले पाएंगे फंडस में. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंडल ग्रिप. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लेटरल ग्रिप. लेटरल ग्रिप में क्या होता है कि द मदर इज़ लाइंग, इफ जस्ट इमेजिन द मदर इज़ लाइक दिस, यू आर स्टैंडिंग फेसिंग द मदर
जस्ट लाइक इन दी फंडल ग्रिप, और आप लेटरल साइड पे, बेबी यहाँ है, आप लेटरल इस तरफ आपने किया था फंडस में, आप यहाँ लेटरल बॉर्डर्स में, मदर के पेट के लेटरल बॉर्डर्स में आपने हैंड प्लेस किया है एंड यू आर स्क्वीजिंग लिटिल इनवर्ड्स. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट होल्ड ऑफ द करेक्ट पोजीशंस, जस्ट बिकॉज कि अगर जैसे मदर का आपको फंडस यहाँ है, आपको यहाँ तक अवॉइड दिख रहा है और आप यहीं से पैल्पेट करने की कोशिश करेंगे, यू विल नॉट गेट एनी करेक्ट मेजरमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द लिक्विड एमनिया. ठीक है, आपको थोड़ा सा जेंटली पुश करना पड़ता है ताकि आपको कोई ना कोई बॉडी सरफेस पैल्पेट आप कर सकें. सो व्हेन यू आर डूइंग द फंडल ग्रिप, आप नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं ताकि आपको जो फंडल पोजिशन पे जो प्रेजेंट सॉरी फंडल पोजीशन पे जो बॉडी बेबी का जो भी प्रेजेंटेशन है वो मिल जाए और जो हेड है उसका पता चल जाए. ओके, लेटरल में भी आप ऐसे ही कर रहे हैं कि लेटरल लेंस की तरफ से आप अंदर की तरफ, मतलब फंडल में आप नीचे की तरफ कर रहे थे, लेटरल में आप अंदर की तरफ क्या करेंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे. तो पुश करेंगे, बहुत जेंटली पुश करना है. पुश करेंगे तो आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद ओवॉइड और पुश नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर अगर आप पैल्पेट करेंगे तो आपको कुछ सर्फेसिस फील होंगी. आपको जिस तरफ बहुत स्मूथ सा, कर्व सा, स्ट्रेट सा सरफेस फील होता है, उस हाथ पे आपका इंडिकेशन हो जाता है कि वो, जैसे आपने ऐसे किया, इस हाथ पे आपको अगर स्मूथ सा, कर्व्ड, स्ट्रेट चीज, स्ट्रेट इन द सेंस मतलब बहुत इवन सा कर्व्ड सरफेस मिल रहा है, इसका मतलब आपको बैक मिला है बेबी का. ठीक है, इसका मतलब बेबी का बैक उस तरफ है, और जो ऑपोजिट तरफ होगा वहाँ पे आपको बहुत अनइवन सा, बहुत क्लमजी सा, बहुत स्कैटर्ड पार्ट्स मिलेंगे. मतलब हो सकता है कि अगर फुली फ्लेक्स्ड है बेबी तो बेबी के थाइज़ आप फील कर पा रहे होंगे. इस तरीके के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे आपको बैक मिलता है. तो बैक आपको कैसे पता चलता है, बैक इज़ वेरी स्मूथ, कर्व्ड एंड हैव अ इवन सर्फेस. ठीक है, एंड ऑन दी अदर हैंड द इनर एस्पेक्ट, दिस वॉज द आउटर एस्पेक्ट, दिस the inner aspect. Inner aspect has a very scattered, uneven surfaces. It can be the forearms, it can be the thighs, agar fully flexed hai to. Agar fully flexed nahi hai, to fir us hisab se parts milenge. So this will tell you the spinal axis of the baby. Theek hai? Right hai ya left hai. So that happens in the lateral grip. That's the second Leopold maneuver. Now, पेल्विक ग्रिप जो है, पेल्विक ग्रिप में क्या करते हैं, पेल्विक ग्रिप सिर्फ एक ऐसा ग्रिप है लियोपोल्ड मैन्युअर में, जब आप मदर को फेस नहीं कर रहे होते हैं, जब आप और मदर एक ही तरफ होते हैं एंड आप मदर के लेग को फेस कर रहे होते हैं, दैट हैपन्स इन दी पेल्विक ग्रिप. ठीक है, नाउ व्हाट हैपन्स इन दी पेल्विक ग्रिप इज़ यू जस्ट गो एंड जैसे आपने फंडस की तरफ किया था उसी तरीके से आप मदर के इस तरफ आ जाएंगे, लेग्स को फेस करेंगे एंड मदर के जो पेल्विक रीजन है, सिम्फाइसिस की तरफ आप क्या करेंगे, ग्रिप करने की कोशिश करेंगे. यू विल पुश इट फॉरवर्ड. जो फंडल में किया तो आपने नीचे की तरफ पुश किया, जब आप पेल्विक की तरफ करेंगे तो आप ज़िफस स्टर्नम की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे. एंड व्हेन यू पुश इट यू विल फील अ पार्ट. अगर आपको बहुत स्फेरिकल सरफेस मिल रहा है और आप ग्रिप कर पा रहे हैं तो दैट कुड बी हेड. इट मीन्स द प्रेजेंटेशन इज वर्टेक्स, कैन बी वर्टेक्स मोस्ट प्रोबेबली. और आपको बहुत ब्रॉड सर्फेस मिल रहा है, इसका मतलब द प्रेजेंटेशन इज बटेक्स एंड इट इज़ अ ब्रीच प्रेजेंटेशन. ठीक है, और अगर आपको कुछ ट्रांसवर्स हुआ तो आपको पेल्विक ग्रिप में फील नहीं कर पाएंगे, आप ग्रिप नहीं कर पाएंगे. ओके, सो दैट हैपन्स इन द पेल्विक ग्रिप. और पेल्विक ग्रिप में ये भी है कि अगर बेबी का हेड एंगेज हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज़ आप पेल्विक ग्रिप और पॉलिक ग्रिप में समझ पाते हैं. क्योंकि अगर बेबी का सिंसिपुट, ऑक्सीपुट, ये रीजन आपको फील हो पा रहा है, आपके हाथ अगर जुड़ पा रहे हैं, तो इट मीन्स बेबी अभी तक एंगेज नहीं हुआ है. और अगर आपका हाथ जुड़ नहीं पा रहा है, देयर इज़ अ स्पेस एंड आपको ये पोर्शंस नहीं मिल पा रहे हैं, यू आर गेटिंग द फेस एंड दिस बैक, इट मीन्स द बेबीज हेड हैज़ गॉन इन टू द पेल्विक ब्रिम. पेल्विक ब्रिम में एंटर कर जाना, जो बाईपैराइटल डायमीटर है उसका पेल्विक ब्रिम में एंटर कर जाना, ठीक है, पेल्विक ब्रिम से नीचे हो जाना मीन्स द एंगेजमेंट. और अगर पेल्विक ब्रिम के ऊपर है बाईपैराइटल डायमीटर तो हम कहते हैं कि बेबी एंगेज नहीं हुआ है. ठीक, तो ये चीज़ें भी आपको पेल्विक ग्रिप या पॉलिक ग्रिप में पता चल जाती हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द पॉलिक ग्रिप, पॉलिक ग्रिप जो है वो थर्ड मैन्युअर है. पेल्विक ग्रिप फोर्थ मैन्युअर था, पॉलिक ग्रिप थर्ड मैन्युअर है. थर्ड मैन्युअर पॉलिक ग्रिप में क्या होता है, यू अगेन फेस द मदर.
ठीक है, एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ द मदर एंड यू आर फेसिंग द मदर, एंड आप इसमें दो अभी तक आप दोनों हैंड्स का यूज़ कर रहे थे, नाउ यू विल ओनली हैज वन हैंड, द राइट हैंड मोस्ट प्रेफरेबली इफ योर डोमिनेंट हैंड इज द राइट हैंड, देन आप इस तरीके का एक शेप बना लेते हैं, थंब ऑन वन साइड एंड फोर फिंगर्स ऑन द वन साइड, एंड देन इफ द बेबी इज हियर यू विल You'll place it like this, ठीक है, symphysis के वहाँ पे, you'll try to hold it, ठीक है, hold करके आप अगर head है तो same like pelvic grip की तरह, अगर head होगा तो आपको एक spherical surface मिल जाएगा, अगर breech होगा तो भी आप hold कर पाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आपको बहुत broad, बहुत ज़्यादा soft, sluggish surface मिलेगा, so that will suggest to you the breech presentation, and if the baby is in a transverse lie, तो आपको बिल्कुल ग्रिप नहीं मिल पाएगा, दैट विल सजेस्ट द बेबी इज़ नॉट इन अ लॉन्गिट्यूडनल लाई, ओके, सो ये चीज़ें पता चलती हैं आपको पॉलिक ग्रिप में, सो दिस वॉज फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप एंड पॉलिक ग्रिप, दिस वे द बेबीज लाई पोजिशन प्रेजेंटेशन, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत एक एस्टिमेटेड आइडिया लगाया जा सकता है, ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस द बेबीज फीटल हार्ट साउंड इज हर्ड विद द हेल्प ऑफ फीटोस्कोप, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्कल्टेशन, ठीक है, एंड इसके अलावा ये तो हुए ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इसके अलावा अगर इंटरनल एग्जामिनेशन करना है सो द मदर कुड बी सजेस्टेड फॉर अ अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें क्लियरली ये सारी चीज़ें पता चल ही जाएंगी, और साथ ही साथ विजाइनल एग्जामिनेशंस किए जाते हैं, विजाइनल एग्जामिनेशंस के दौरान भी देयर कुड बी सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कुड बी गॉट टू नोन अबाउट द प्रेगनेंसी पीरियड, तो इस तरीके से ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, आई विल जस्ट फोकस दिस एरिया सो दैट यू कैन सी द लियोपॉइड मैन्यूवर मोर क्लियरली, सो जस्ट वन सेकेंड, सो आई होप यू कैन सी दैट यहाँ पे फंडल हाइट में किस तरीके से 22 सेंटीमीटर जहाँ पे मार्क्ड है वहाँ पे अम्बिलिकल अम्बिलिकस है मदर का, एंड ये सिम्फाइसिस प्यूबिस 12 के नीचे है, तो यू कैन सी हाउ द फंडल हाइट कैन बी मेजर्ड इन रिस्पॉन्स टू द वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, एंड उसी तरीके से ये लियोपॉर्ड मैन्यूवर है जिसमें फर्स्ट केस में आप देखेंगे जहाँ वन लिखा है दैट इज़ फंडल ग्रिप where the obstetrician is facing towards the mother and the hand are placed on the fundus. Second jo hai, that is the pelvic lateral grip where the person is facing towards the mother and the hands are placed on the sides of the abdomen. The third one is the दिस थिंग द पॉलिक ग्रिप, और पॉलिक ग्रिप के दौरान क्या कर रहे हैं, द पर्सन इज होल्डिंग द सिम्फाइसिस, जहाँ पे वन हैंड से ये प्रेजेंटिंग पार्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं, एंड द फोर्थ वन हियर इज़ द पेल्विक ग्रिप, जहाँ पे दोनों हाथ से लेटरली पेल्विक एरिया को पैल्पेट करने की कोशिश कर रहे हैं टू नो अबाउट द प्रेजेंटेशन, सो दीज आर द फोर मैन्यूवर्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, थैंक यू।